आर्ट्स काउंसिल कराची में प्रोडक्शन हाउस के तहत पहला स्टेज ड्रामा नाच ना जाने यकुम मार्च को पेश किया जाएगा। मारूफ अदाकार अनवर मकसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, 90 मिनट पर मुश्तमिल ड्रामा आर्ट्स काउंसिल में मुसलसल 60 दिन तक जारी रहेगा। स्टेज ड्रामा नाच ना जाने यकुम मार्च से आर्ट्स काउंसिल में पेश किया जाएगा, जो मारूफ राइटर अनवर मकसूद ने तहरीर किया है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनवर मकसूद ने बताया, ये आर्ट्स काउंसिल प्रोडक्शन हाउस का पहला ड्रामा और नाच ना जाने का सिक्वल है। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा, ड्रामे की आमदनी फनकारों, अदीबों और शायरों को पहुंचाई जाए। ये मेरे ध्यान में बहुत अरसे से था कि इसका एक एंडाउमेंट क्रिएट किया जाए और एक इस तरह की, तो ये एक सीड मनी, इस सिर्फ मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूँ, इस ड्रामे से इसकी सीड मनी हम जनरेट करेंगे और उसके ऊपर एक बड़ा एंडाउमेंट हम खड़ा करेंगे, जो चाहे मल्टीनेशनल से आए, चाहे प्राइवेट सेक्टर से आए, या इस प्ले को स्पॉन्सर करने की शक्ल में आए। ये चूँकि हमारी इतनी इनकम नहीं है, हम उर्दू कॉन्फ्रेंस, म्यूज़िक फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल, बेशुमार चीज़ें करते हैं, तो हमने कहा कि बहुत ज़रूरी है। और इसका ख्याल ऐसे आया कि अभी रेडियो से कोई 2-3 महीने पहले हमारे 4-5 सीनियर तरीन म्यूज़िशियन, जिनके बगैर मेहदी हसन, फरीदा खानम कोई नहीं गाता था, उमर साहब, शब्बीर साहब, इदरीस साहब नेपा से भी फारिग हो गए, रेडियो से ही फारिग हो गए, टीवी में तो कोई जगह ही नहीं है। तो हम अपनी महदूद रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, चूँकि सबसे ज़्यादा बिकने वाला नाम जो है पाकिस्तान में अनवर मकसूद साहब का ही है, और खुशकिस्मत ये है कि ये हमारे दोस्त भी हैं, तो हम इनका नाम किसी नेक मकासद के लिए बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इसीलिए अनवर भाई ने ये प्ले कोई पॉलिटिकल नहीं बनाया, एक क्लासिक प्ले का प्रीक्वल कर रहे हैं। जब ज़ियाउल हक पावर में आए और डांस एकेडमीज बंद कर दी गई, नाच गाना मुल्क में ख़त्म हो गया, तो कहानी अकबर की वहाँ से शुरू करें कि एक क्लासिकल डांसर आंगन टेढ़ा में महबूब अहमद के आके खाना पकाने के लिए क्यों आता है। कहानी उन 10 बरसों की है जो ज़ियाउल हक साहब का ज़माना था। हमारी यंग जनरेशन को पता ही नहीं कि उनकी किस किस चीज़ से पाबंदी थी। ज़माना बदल गया है। अकबर का रोल आंगन टेढ़ा में यासिर कर चुके हैं, और साल बाद मैं आज तक मैंने मुंह पे किसी की तारीफ़ नहीं की, मगर यासिर की तारीफ़ करना पड़ती है कि यासिर ने अकबर का रोल बहुत अच्छा किया। तो यासिर ही अकबर का रोल कर रहे हैं, और बाकी दावर ने अब तक 11,000 लोगों को चेक कर चुके हैं कि कौन काम करेगा इस प्ले में। 11,000 में 9,000 लड़कियां थीं, इस वजह से इनको देर लगी चेक करने में, वरना ऑडिशन तो 5 मिनट का काम है। तो वो दूसरा जो फंड रेजिंग, और अब ये है कि ये प्ले जो है इसका एक मकसद है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आर्ट काउंसिल पैसा कमाए, ये मेरी शाह साहब से बात हो चुकी है। इस प्ले से तमाम, चाहे वो कराची में हो रहा हो, चाहे लाहौर में, चाहे इस्लामाबाद में, जो भी आमदनी होगी वो एक, वो तमाम आमदनी जो है हम ऐसे अदीबों, फनकारों, म्यूजिशंस, शायरों को दे देंगे, बांट देंगे, कि जिनका और कोई ज़रिया ही नहीं है आमदनी का। अब बूढ़े हो चुके हैं, घरों में बैठे हुए, आमदनी नहीं है, इस प्ले की तमाम आमदनी, और आर्ट काउंसिल के जो भी प्ले होगा अपना, उसकी तमाम आमदनी इन लोगों में जाएगी। डायरेक्टर दावर महमूद ने कहा कि ड्रामा मुसलसल 2 माह तक आर्ट्स काउंसिल कराची में पेश किया जाएगा, जिसके बाद लाहौर और इस्लामाबाद में दिखाया जाएगा। स्टेज ड्रामा नाच ना जाने 90 मिनट पर मुश्तमिल होगा, जिसकी कास्ट में ज्यादातर नए चेहरे शामिल होंगे।